हेलो फ्रेंड्स, डीएलके बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। फ्रेंड्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए की बात की थी और आज हम बात करेंगे टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का अध्ययन हम इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन व बायोजेनेसिस बिंदुओं में करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। सबसे पहले अपन बात करें इंट्रोडक्शन। टीआरएनए को अनेक उपनामों से जाना जाता है और टीआरएनए के क्या क्या उपनाम है तो ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए, अभिगमन आरएनए या टीआरएनए। इसका सर्वाधिक पॉपुलर नाम है तो इसे ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण या अभिगमन आरएनए के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे एडेप्टर या अनुकूलक आरएनए या एआरएनए के नाम से भी जाना जाता है। तो एडेप्टर या अनुकूलक आरएनए या इसे अनुचलक आरएनए भी कहते हैं। सिग्मा आरएनए के नाम से भी, सोल्युबल या एसआरएनए या अंतरण आरएनए। तो टीआरएनए को अनेक उपनामों से जाना जाता है, ट्रांसफर आरएनए, एडेप्टर आरएनए या अनुकूलक आरएनए या इसे अपन एआरएनए भी कहते हैं, सिग्मा आरएनए, सोल्युबल आरएनए, अंतरण आरएनए जैसे उपनामों से टीआरएनए को जाना जाता है। तो टीआरएनए को हम अनेक नामों से जानते हैं जिसमें सर्वाधिक जो पॉपुलर नाम है वो है टीआरएनए। हॉगलैंड ने 1957 में इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए नाम दिया। तो सर्वाधिक उपयुक्त या पॉपुलर नाम जो है वो टीआरएनए है या ट्रांसफर आरएनए है जो हॉगलैंड ने 1957 में दिया था। कोशिका में उपस्थित संपूर्ण आरएनए इसका यानी एमआरएनए, आरआरएनए व टीआरएनए का संपूर्ण आरएनए का यह 10 से 15% होता है। एमआरएनए 5 से 10% है। राइबोसोमल आरएनए 70 से 80% है। तो ये है भी जो टीआरएनए है वह कुल कोशिका के आरएनए का 10 से 15% टीआरएनए होता है। यह सबसे छोटा अणु है तो यह आरएनए का सबसे छोटा अणु है। तो टीआरएनए सबसे छोटा क्या है भी, आरएनए अणु है। टीआरएनए में 70 से 80 राइबोन्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। तो टीआरएनए में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उनकी संख्या भी 70 से 80 राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसका औसादन गुणांक यदि अपन बात करें तो 4s है, तो सबलिमेशन पॉइंट 4s है इसका। इसका अणुभार यदि अपन देखें तो 25,000 डाल्टन से 30,00,000 डाल्टन तक इसका अणुभार होता है। तो टीआरएनए का औसादन गुणांक 4s, टीआरएनए का मॉलिक्यूलर वेट 25,000 डाल्टन से 30,00,000 डाल्टन व अपन कुल एमआरएनए की तुलना में अधिक जीवन अवधि है इसकी।
तो जो एमआरएनए है उसकी तुलना में इसकी जीवन अवधि अधिक है। तो सर्वाधिक अस्थाई जो आरएनए अपन ने देखा था वो था एमआरएनए, सर्वाधिक स्थाई जो आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए, और एमआरएनए से अधिक जीवन अवधि है किंतु राइबोसोमल आरएनए से कम जीवन अवधि किसकी है भी, टीआरएनए की। टीआरएनए का बायोजेनेसिस जो है केंद्रक में होता है, तो इसकी बायोजेनेसिस या इसका संश्लेषण जो है वो केंद्रक में होता है। एमआरएनए का निर्माण भी केंद्रक में होता है, राइबोसोमल आरएनए का जो निर्माण है वो केंद्रिका में होता है, और टीआरएनए का निर्माण है वो भी केंद्रक में होता है। तो टीआरएनए की बायोजेनेसिस या संश्लेषण जो है वो केंद्रक में होती है, और ये सभी जो डीएनए से बनते हैं और डीएनए से जो जितने भी आरएनए का निर्माण होता है उस प्रक्रम को हम अनुलेखन कहते हैं। तो सभी जो आरएनए हैं वो डीएनए से बनते हैं और अनुलेखन की क्रिया से बनते हैं। तो इनका बायोजेनेसिस जो है, टीआरएनए का बायोजेनेसिस जो है वो केंद्रक में होता है। संश्लेषण के बाद ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। सभी जो आरएनए हैं वो बायोजेनेसिस के पश्चात साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल में लगभग 60 या इससे अधिक प्रकार के टीआरएनए या टीआरएनए को देखा गया है। तो प्रोकैरियोट व यूकैरियोट कोशिकाओं में अब तक लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए का आइडेंटिफिकेशन किया जा चुका है। तो लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। तो इसके प्रकार कितने भी 60 प्रकार के हैं। टीआरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम तक ले जाता है। तो टीआरएनए का यदि अपन कार्य देखें कि टीआरएनए करता क्या है, तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम तक लेकर जाने का कार्य कौन करता है भी, टीआरएनए करता है, और इसी कारण से इसे ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। टीआरएनए राइबोसोम पर लगे एमआरएनए के साथ जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो टीआरएनए है वो राइबोसोम पर लगे एमआरएनए के साथ जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। टीआरएनए अपने कार्य को बार बार रिपीट करता है, जैसे एक बार अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद दोबारा फिर वो अपने कार्य को दोहराता है, इस कारण से इसे अनुकूलक आरएनए भी कहते हैं। तो यह अपने कार्य को बार बार दोहराता है, इस कारण से इसे क्या कहते हैं भी, अनुकूलक आरएनए के नाम से या एआरएनए के नाम से भी इसे जानते हैं। टीआरएनए आनुवंशिक कूट की व्याख्या करता है। टीआरएनए जो है वो आनुवंशिक कूट जो कि एमआरएनए के पास उपस्थित है उनकी व्याख्या करता है। वास्तव में यदि अपन देखें तो जो टीआरएनए है वो वास्तव में यह है डीएनए संदेश जो कि एमआरएनए कोडोन्स प्रकुटों को पढ़ता है। तो एमआरएनए पर उपस्थित जो कोडोन्स है उनका पठन का कार्य कौन करता है भी, उनको रीड कौन करता है या उनकी रीडिंग कौन करता है भी, टीआरएनए उनकी रीडिंग करता है। तो कोडोन्स की रीडिंग करने वाला आरएनए कौन सा भी, टीआरएनए। यह
प्रकोट जिस पर एमिनो अम्ल का विशिष्टीकृत करता है और उनको पहचानता भी है। तो प्रकोट जिस एमिनो अम्ल का विशिष्ट करता करता को पहचानता भी है, तो ये टीआरएनए जो है एमिनो अम्लों की पहचान भी करता है और उन्हें सक्रिय करके अपने आप से जोड़ता भी है। आगे अगर बात करें टीआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड या जो एनसारक है वो है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिन। तो टीआरएनए में सामान्य एनसारकों के अलावा यानी साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल के अलावा कुछ अन्य असामान्य एनसारक भी पाई जाती है। और वो कौन कौन सी एनसारक पाई जाती है? तो इनोसिनिक अम्ल, स्यूडो यूरिडीन, मिथाइल ग्वानिन, मिथाइल एमिनो प्यूरीन जैसे असामान्य एनसारक भी टीआरएनए में पाई जाती है। तो टीआरएनए में सामान्य एनसारकों के अलावा कुछ असामान्य एनसारक भी उपस्थित होती है। और वो कौन कौन सी थी? इनोसिनिक अम्ल, स्यूडो यूरिडीन, मिथाइल ग्वानिन और मिथाइल एमिनो प्यूरीन जैसी असामान्य एनसारक भी टीआरएनए में पाई जाती है। अब अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की संरचना कैसी है? तो टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए रॉबर्ट होली ने 1964 में टीआरएनए की संरचना हेतु क्लॉवर लीफ मॉडल का प्रतिपादन किया। तो रॉबर्ट होली ने 1964 में टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए क्लॉवर लीफ मॉडल या जिसे अपन कहते हैं जैसे बील पत्र में तीन पर्ण है या रिजका में तीन पर्ण है, मेथी में तीन पर्ण है, उसी तरीके से क्लॉवर लीफ मॉडल के रूप में त्रिपर्णी मॉडल प्रस्तुत किया। तो टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए रॉबर्ट होली ने 1964 में क्लॉवर लीफ मॉडल या त्रिपर्णी मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के रूप में टीआरएनए की संरचना इस प्रकार की है। इस कार्य हेतु 1968 में होली को, निरेन वर्ग को और खुराना को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो होली ने या रॉबर्ट होली ने 1964 में टीआरएनए की संरचना का क्लॉवर लीफ मॉडल दिया और इसके उपलक्ष्य में 1968 का नोबेल प्राइज तीन प्रमुख वैज्ञानिक रॉबर्ट होली, निरेन वर्ग व खुराना को दिया गया। क्लॉवर लीफ मॉडल के अनुसार टीआरएनए की संरचना में चार भुजाएं व तीन लूप होते हैं। तो रॉबर्ट होली के क्लॉवर लीफ मॉडल के अनुसार टीआरएनए की संरचना में चार भुजाएं व तीन लूप है। और चार भुजाएं कौन कौन सी है? पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये चार भुजाएं हो गई। एक अतिरिक्त भुजा जो पांचवी भुजा के रूप में और होती है। तो ये चार मुख्य भुजाएं और तीन लूप इसमें पाए जाते हैं। चार भुजाओं में सबसे पहली भुजा की अपन बात करें तो इस भुजा को अपन एसेप्टर आर्म या एमिनो अम्ल
ग्राही भुजा कहते हैं तो इसे एमिनो एसिड आर्म या ए आर्म अपन कहते हैं। दूसरी भुजा है टी साइज सी भुजा। तीसरी जो भुजा है एंटी कोडोन भुजा है। फोर्थ डीएचयू आर्म है जिसे अपन डाइहाइड्रो यूरिडीन भुजा कहते हैं और एक अतिरिक्त भुजा है। इस तरीके से इसमें चार मुख्य भुजाएं होती है और तीन लूप है। इसमें जो सबसे पहली भुजा है ए आर्म, इसमें कोई लूप नहीं है। टी साई सी भुजा में टी लूप या टी साई सी लूप है और एंटी कोडोन आर्म में एंटी कोडोन लूप है और डीएचयू आर्म में डीएचयू लूप है। तो ये टीआरएनए की संरचना है जो क्लॉवर लीफ मॉडल के अनुसार है और ये मॉडल रॉबर्ट होली ने 1964 में दिया था। इस मॉडल के अनुसार अपन इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहली भुजा जो है भी वो है एसेप्टर आर्म या एमिनो एसिड आर्म या इसे अपन ग्राही भुजा भी कह सकते हैं। एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल भुजा भी अपन इसे कह सकते हैं या ए आर्म अपन इसे कहते हैं। इस आर्म में ये टीआरएनए का आरंभिक सिरा है या प्रारंभ सिरा है और ये टीआरएनए का अंतिम सिरा है। दोनों एक दूसरे के पास होते हैं और इसमें यहां पर जो थ्री प्राइम जो छोर है इसमें जो एन सारकों का जो अनुक्रम है वो सी सी ए होता है। अंतिम अगर अपन कोडोन की बात करें, अंतिम जो कोडोन है वो है ए और एडिनोसिन वाला है। इसमें एडिनोसिन एन सारक है। एडिनोसिन एन सारक के दूसरे और तीसरे कार्बन पर जो ओएच या हाइड्रोक्सी समूह होता है उस हाइड्रोक्सी समूह से एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह आपस में जुड़ता है और इस तरीके से एमिनो एसिड इस आर्म से जुड़ जाते हैं। इसी कारण से इस भुजा को अपन एमिनो एसिड आर्म कहते हैं। तो ये एमिनो एसिड आर्म है जिससे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं। इसका ये फाइव प्राइम सिरा है जो आरंभिक छोर है और ये अंतिम छोर जो है वो थ्री प्राइम है और इसके थ्री प्राइम की जो अंतिम कोडोन एन सारक है वो एडिनोसिन है और एडिनोसिन के ओएच समूह से एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह जुड़कर टीआरएनए की लोडिंग करता है। इसी कारण से इसे एमिनो अम्ल ग्राही भुजा कहते हैं। तो ये जो साइट है, ये जो स्थल है वो है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट या एमिनो अम्ल संलग्न स्थल। तो ये एमिनो अम्ल संलग्न स्थल है जहां एमिनो अम्ल जुड़ते हैं और ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से एमिनो अम्ल जुड़ते हैं। चलिए दूसरी भुजा की अपन बात करें तो दूसरी भुजा है टी साई सी भुजा। टी साई सी भुजा में एक टी लूप या टी साई सी लूप है जहां क्या है भी सात बेस पेयर या सात सारक है। सात सारक है या अपन कहें कि सात जो है सेवन नाइट्रोजन सार है। तो देखिए यहां पर एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, यहां ये आपस में नहीं जुड़े होते हैं और बीच में जहां आर्म होती है वहां पर जो पास पास उपस्थित जो एन सारक है वो हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ जाती है। जैसे यहां अपन देखें तो इस ग्राही भुजा में भी एक दो तीन चार पांच छह एन सारक आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। इसी प्रकार इसमें चार एन सारक जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। जो टी साइज की भुजा है इसमें एक राइबोसोम साइट, राइबोसोम स्थल पाया जाता है जो
एमआरएनए और राइबोसोम को आपस में जोड़ता है। तो ये एक राइबोसोम साइट स्थल है जहां जो एमआरएनए और राइबोसोम को आपस में जोड़ता है। तो टी साइड सी भुजा जो है उसमें एक टी साइड सी लूप है, टी साइड सी लूप में सात एन सार्क उपस्थित होते हैं और टी साइड सी भुजा में चार जो है एन सार्क युग्म होते हैं और इसमें एक राइबोसोम साइट होता है जो एमआरएनए और जो राइबोसोमल आरएनए है उन दोनों को आपस में जोड़ता है। तीसरी भुजा की अपन बात करें तो वो है जो एंटी कोडोन भुजा। इसी तो टी साइड सी भुजा और एंटी कोडोन भुजा के बीच में एक छोटी सी भुजा और होती है जिसे हम अतिरिक्त भुजा कहते हैं, जिसका कोई विशेष कार्य नहीं है। तो चलिए अपन बात करें एंटी कोडोन भुजा जो कि एक अति महत्वपूर्ण भुजा है और ये जो ग्राही भुजा है इसके विपरीत होती है। कौन सी भुजा? एंटी कोडोन भुजा। इस भुजा में चार जो नाइट्रोजन सारक है उनका एक युग्म होता है और एक एंटी कोडोन लूप है। तो ये तो है भी एंटी कोडोन भुजा ये, और ये जो है वो है एंटी कोडोन लूप। एंटी कोडोन लूप में सात जो है बैस सारक युग्म सारक है, तो सात सारक है, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात सारक या आठ भी हो सकते हैं, तो सात या आठ सारक युग्म है इसमें। और इस सारक युग्मों में जो अंतिम सारक युग्म है ये एंटी कोडोन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एंटी कोडोन सारक युग्म के रूप में जाने जाते हैं। यहां एक एंटी कोडोन रिकॉग्नाइजेशन साइट भी होता है जो एंटी कोडोन को पहचानता है, उसका स्थल बी होता है। यह जो है एंटीकोडोन जो भुजा है ये एमआरएनए की पहचान करता है। और देखिए यहां ये एमआरएनए का एक क्या है भी अणु है जिसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम है और इसका जो कोडोन है वो एयूजी, इसे अपन कोडोन कह रहे हैं। और इससे कौन जुड़ेगा? यूएससी एंटीकोडोन रखने वाला टीआरएनए जुड़ेगा। और ये जो एमआरएनए इससे जुड़ता है टीआरएनए से, ये एक ऐसा होता है कि इससे एक विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल रखने वाला टीआरएनए ही उसी के अनुसार वो एमआरएनए से जुड़ता है। तो वो ग्राही भुजा के विपरीत होती है, इसमें एक एंटीकोडोन जो आर्म और एक एंटीकोडोन लूप होता है, इसमें ये जो है एंटीकोडोन है जो एमआरएनए से जुड़े होते हैं। तो ये एक एंटीकोडोन रिकॉग्नाइजेशन साइट है ये पूरा स्थल। यहां ये जो इसका कोडोन है, इस कोडोन को अपन क्या कहते हैं भी? एंटीकोडोन कहते हैं। और एमआरएनए के एनसारकों को अपन कोडोन कहते हैं। तो ये तो है कोडोन और ये है एंटी कोडोन। ये देखिए इस तरीके के हैं, जैसे ए है वो सभी यू के साथ संबंध बनाएंगे, ए जो यू है वो ए के साथ, जी है वो सी के साथ। और ये जो ए यू जी जो कोडोन है ये आरंभक कोडोन है जो मैथियोनिन एमिनो अम्ल वाले टीआरएनए को कोडिंग करेंगे। तो यहां जो एमिनो अम्ल जुड़ा होगा वो होगा मैथियोनिन एमिनो अम्ल इस कोडोन के अनुसार। तो ये थी एंटीकोडोन भुजा और एंटीकोडोन लूप। अंतिम अगर अपन बात करें तो वो है डीएचयू आर्म, इसे अपन डाई हाइड्रो यूरिडीन भुजा कहते हैं या आर्म कहते हैं, तो डीएचयू आर्म। और इसमें एक होता है डीएचयू लूप। तो डीएचयू आर्म में लगभग चार नाइट्रोजन युग्म आपस में पेयरिंग करे हुए युग्म बना रखे हैं और लूप में लगभग 8 से 12 सारक होते हैं। तो ये 8 से 12 तक सारक उपस्थित है लूप में।
यहां एक एंजाइम साइट होता है, एक एंजाइम स्थल है जिसमें एमिनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम पाया जाता है, और ये एमिनो एसाइल सिंथेटेस जो एंजाइम है, ये एंजाइम टीआरएनए जो एमिनो एसिड जुड़ते हैं टीआरएनए से उनकी पहचान करता है और उनको जोड़ता है। तो टीआरएनए की लोडिंग में सहायता कौन करता भी, एमिनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम जो डीएचयू भुजा पर उपस्थित है। तो यहां एक एंजाइम साइट है या एक एंजाइम स्थल है जहां एमिनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम है जो टीआरएनए से जुड़ने वाले एमिनो अम्लों को सक्रिय करता है और टीआरएनए की लोडिंग भी करता है। तो टीआरएनए की जो लोडिंग है, लोडिंग का मतलब है टीआरएनए से कि जो एमिनो एसिड आर्म है उससे एमिनो अम्लों का जुड़ना। तो टीआरएनए की लोडिंग में सहायता कौन सा करता है, एंजाइम साइट करता है जो डीएचयू भुजा पर उपस्थित है। तो टीआरएनए की अपन ने स्ट्रक्चर देखी कि टीआरएनए की संरचना में चार भुजाएं हैं, एक एमिनो एसिड आर्म है जो जिससे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं, एक टी साइसी भुजा है जिसपे राइबोसोम साइट है या राइबोसोम स्थल है जो एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए को जोड़ता है, एक एंटी कोडोन भुजा है जो टीआरएनए व एमआरएनए को आपस में जोड़ती है, और यहां एक एंटी कोडोन होता है और एमआरएनए पर कोडोन होता है। तो यहां एक एंटी कोडोन रिकॉग्नाइजेशन स्थल है जो एंटी कोडोन की पहचान करता है, और जो चौथी भुजा है वो है भी डीएचयू भुजा जिसे अपन डाई हाइड्रोयूरिडीन भुजा कहते हैं, और इस पे एक एंजाइम स्थल है जहां एमिनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम पाया जाता है जो एमिनो अम्लों को सक्रिय करता है और एमिनो अम्लों को टीआरएनए के साथ जोड़ता है। तो ये थी भी टीआरएनए की स्ट्रक्चर। टीआरएनए के कार्यों की अपन बात करें तो टीआरएनए के कार्य अपन ने पूर्व में भी देखे कि टीआरएनए का मुख्य कार्य जो है वो है एमिनो अम्लों को सक्रिय करके राइबोसोम की सतह पर लाना। तो टीआरएनए क्या करता भी, एमिनो अम्लों को सक्रिय करके राइबोसोम की सतह पर लाना अपने से जोड़कर। तो टीआरएनए एमिनो अम्लों को सक्रिय करता है और अपने से जोड़ता है, अपने पास बिठाता है और उनको लेकर राइबोसोम की सतह पर ले जाता है या राइबोसोम पर लाता है। प्रोटीन में एमिनो एसिड के प्रकार, संख्या व क्रम को भी टीआरएनए ही निर्धारित करता है। तो प्रोटीन में एमिनो एसिड का क्या सीरियल होगा, उनकी कितनी संख्या होगी, कौन कौन से प्रकार के टीआरएनए जुड़ेंगे, ये भी टीआरएनए ही निर्धारित करता है। क्योंकि एमिनो एसिड को लेकर कौन जाता है भी, टीआरएनए। तो प्रोटीन संश्लेषण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भी कौन, टीआरएनए। अगर अपन इसकी बायोजेनेसिस की बात करें कि टीआरएनए का संश्लेषण या बायोजेनेसिस कहां होता है, तो वो केंद्रक में होता है, और एक डीएनए अणु होता है जिसमें 200 से 400 तक सिस्ट्रोन होते हैं जो टीआरएनए का संश्लेषण करते हैं, और ये जो संश्लेषण होता है वो अनुलेखन कहलाता है। तो डीएनए से टीआरएनए का बनना क्या कहलाता भी, अनुलेखन। तो ये था आज का अपना टॉपिक ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए, जिसमें हमने टीआरएनए का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर जो ये बनने देखी, और फंक्शन और बायोजेनेसिस की बात की। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको
नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके।